आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो DIY, जिसमें से एक की रिक्वेस्ट आपने काफी पहले से आप लोग कर रहे हो, तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों DIYs में मैंने क्या क्या बनाया। तो जो पहला वाला था वो तो एक मेकओवर था, बेसिकली DIY नहीं था, और वो था इन स्टूल्स का मेकओवर। ये स्टूल्स मैंने लास्ट ईयर खरीदे थे अमेजोन से, आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे। ये फोल्डेबल स्टूल्स हैं, कलर जो है इनका ब्लैक और ब्राउन है, और एक फ्रेंड ने ये कहा था कि इनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे जले हुए हैं, तो थोड़ा सा ये मुझे भी इनका जो कलर है ना ये पसंद नहीं आया, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको मैं इनका कलर ही एटलीस्ट चेंज कर दूं, क्योंकि वैसे ये कॉर्नर पे आ जाते हैं, बड़े यूजफुल से हैं ये दोनों स्टूल्स। तो इनके लिए सबसे पहले जो चीज़ थी वो थी कलर करना, और कलर के लिए लिया मैंने जो दीवारों पर कलर होता है घरों में, वही वॉल कलर मैंने लिया, वाइट कलर ये हमेशा मेरे पास रहता है, और इससे मैंने इसे पेंट कर लिया। बस हमें थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जब हम नॉर्मली से पेंट करें तो ब्रश से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं ऊपर की सरफेस वगैरह पेंट कर रहे हैं और बहुत स्मूथ फिनिश चाहते हैं तो आप रोलर का यूज़ करिए। तो रोलर को यूज़ करने के तरीके जो हैं, मैं अपने पुराने जो वीडियोज़ हैं पेंट वाले उसमें पहले ही बता चुकी हूँ आपको, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। बहुत ही हल्के हाथों से हमें जो है इसको चलाना है रोलर को, अदरवाइज इसमें थोड़े से निशान आ जाते हैं, धब्बे और पैचेस आ जाते हैं। छोटी सी चीज़ का बस इसी का ध्यान आपको रखना है। उसके बाद देखिए एक स्टूल तो मैंने पेंट कर लिया है, अब दूसरे को भी मैंने सेम मेथड से पेंट कर लिया। अब जो है इनको सूखने के बाद एक कोट और करना है सेम वाइट कलर से। वाइट कलर से कलर करने के बाद जो है जो दूसरा कलर मैं इस पर कर रही हूँ वो है लाइट पीच कलर मैं इसके ऊपर करूँगी, उसका इफ़ेक्ट बड़ा अच्छा सा आएगा। तो बेस कलर वाइट हमेशा ही लेना है हमें, चाहे हम कुछ भी पेंट करें। तो ये बहुत ही लाइट पीच कलर मैंने ऊपर और नीचे की तरफ कर दिया, और देखिए ये एक डंडी है सूखी हुई जिस पे डायरेक्टली मैंने एक मजेंटा कलर का पेंट किया है। बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे वो जो डॉगी आपके यहाँ आता है वो स्ट्रीट डॉग बेसिकली वो अब आता है कि नहीं, वो डेली बिल्कुल रेगुलरली ऐसे ही आता है घर पे, और देखिए डोर के सामने बिल्कुल यहीं आके बैठ जाता है, इसे पंखे की हवा लगती रहती है और यहीं मैं इसका पानी रख देती हूँ। तो अगर आपके आसपास भी कुछ इस तरीके के स्ट्रीट डॉग्स हैं या जानवर हैं तो उन्हें थोड़ा सा आप खाना वगैरह देते रहिए, और थोड़ा पानी भर के भी अगर आप घर के बाहर रख सकें और उसे चेंज कर सकें इस गर्मी में, तो फिर तो वो सोने पे सुहागा ही होगा। तो आपकी ये रिक्वेस्ट भी मैंने पूरी कर दी, देखिए ये यहीं सामने बैठा रहता है और हम मैं यहीं पर अपना काम करती रहती हूँ, तो हम एक दूसरे के बहुत अच्छे साथी हैं दोपहरी के। और अब देखिए एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लास्ट ईयर से जो आ रहा था वो था मटके को मिरर से बनाना। एक्चुअली जब मैंने लास्ट ईयर अपना चैनल शुरू किया था तो मैंने एक फाउंटेन बनाना आपको सिखाया था, तब मैं ये सब सुराही और छोटे मटका लेकर आई थी, और तभी मैं लेकर आई थी सेरेमिक पाउडर वगैरह, क्योंकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा यही था कि मैं आपको बना के दिखाऊंगी, लेकिन ये छूट गया था। तो देखिए ये है सेरेमिक पाउडर, ये आधा पैकेट के करीब सेरेमिक पाउडर है और इसी को मैं यूज़ करूँगी। एक्चुअली मेरे पास एक वास है जिसको देखकर आप बराबर रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी, लास्ट में भी मैं आपको वीडियो के दिखाऊंगी, और अभी लास्ट वीडियो में भी रिक्वेस्ट आई है कि आप इस वास को बनाना बताइए। तो सबसे पहले हमें फेविकॉल में मिलाना है पानी, तो एक पार्ट फेविकॉल और करीब 5 पार्ट आप पानी का लीजिए और एक पतला सा घोल बना लीजिए, और इस घोल से ही हमें जो सेरेमिक पाउडर है उसका एक पेस्ट बनाना है। सिरेमिक पाउडर आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप पे मिल जाएगा या आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो देखिए अब हमें जो घोल बनाना है, पेस्ट बनाना है सिरेमिक पाउडर का, वो थोड़ा सा थिक बनाना है, क्योंकि होगा क्या हम इसी सिरेमिक पाउडर की मदद से जो है कुछ मिरर्स वगैरह चिपकाएंगे। और देखिए एक चीज़ और, अगर आप जो है पाउडर का कलर जैसे क्रीम कलर का होता है तो मुझे थोड़ी सी वाइट फिनिश चाहिए थी तो मैंने इसमें वाइट कलर मिला लिया। तो आपको जिस कलर का भी बनाना है मटका या कोई भी वास, तो उस पर आप उसी कलर का कोई एक्रेलिक कलर जो है पेंट जो है मिला लीजिए। उसके बाद देखिए इसे हाथों से अच्छी तरीके से पूरे मटके के ऊपर लगा लीजिए, वास के ऊपर लगा दीजिए दबा दबा के, और बहुत थिक लेयर मत लगाइएगा, मोटी लेयर, बस इतनी लेयर लगानी है कि जब हम इसके ऊपर कुछ चिपकाएं तो चिपक सके, और उसके बाद इसे एक सार बना दीजिए, बिल्कुल प्लेन कर दीजिए।
और अब हम इस पे चिपका सकते हैं मोती, कांच, क्रिस्टल्स, बड़े मोती, छोटे मोती, जितनी भी मतलब आपके पास कुछ चीज़ें हो इस तरीके की डेकोरेशन की, वो आप इसके ऊपर लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से लगा दिए मैंने, इसके ऊपर कुछ मिरर्स लगा दिए और मिरर्स के साथ साथ जो छोटे छोटे मोती थे वो भी मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिए। और बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसके ऊपर रख देना है। अगर टूटे कांच के टुकड़े हों तो उन्हें भी आप थोड़ा छोटा कर करके भी लगा सकते हो। बेसिकली इसे हमें कांच से कवर करना था। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और अब मैं इसे छोड़ दूंगी सूखने के लिए, लेकिन मेरे पास जो एक टूटी हुई सुराही है उसे भी मैंने आधे पार्ट में जो है मैंने लगा लिया इस सिरेमिक पाउडर को, और इसके ऊपर भी कुछ जो पेबल्स वगैरह थी वो मैंने चिपका दी, क्योंकि कांच तो मेरे पास और ज़्यादा मिरर्स तो नहीं थे, तो इन्हें मैंने रात भर सूखने के लिए छोड़ दिया। और देखिए कितने बढ़िया तरह से ये सूख गए रात भर में। और उसमें अब जो बाकी बची हुई जगह थी ऊपर की तरफ या इसमें पीछे की तरफ, उस पर मैंने पेंट कर लिया। तो इस तरह से ये दोनों जो हैं तैयार हो गए। एक आपकी जो रिक्वेस्ट है ना, ये जो भी आप करते हो वो मेरे लिए जिम्मेदारी बन जाती है। तो देखिए ये तो हो गए स्टूल्स, कितने बढ़िया लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियों के लिए ही खरीदे हैं। बिल्कुल एक तो नए हो गए और इनका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ जो दोनों मेरे मटके हैं, वास हैं, वो भी रेडी हो गए हैं। और अब मैं आपको वो वास भी दिखाती हूँ जिसे देख के आप रिक्वेस्ट मेरे से करते थे। तो देखिए ये है बड़ा वास। लास्ट ईयर से मेरे वीडियोस में जब भी ये आता है हमेशा रिक्वेस्ट आती है कि दी आप इसे बना के दिखाओ। तो देखिए अब ये रिक्वेस्ट जो है, मेरी जो जिम्मेदारी है जो आप लोग मेरे से बोलते हो, वो अब मैंने पूरी करी है। और इसी तरीके से मेरे जो आप लोग रिक्वेस्ट करते हो मैं नोट डाउन करती रहती हूँ और उनको ज़रूर ही जो है मैं पूरा करती हूँ। और इसके साथ साथ अपने ड्राइंग रूम में थोड़ा सा गर्मियों की वजह से मैंने ये कुशन कवर्स भी चेंज कर दिए, थोड़े से लाइट कलर के लगा दिए। ये मैंने होली पे मंगवाए थे लेकिन मैंने लगा नहीं पाई थी। और अब देखिए अब जितने भी मैंने DIYs बनाए हैं उनको अब मैं लगा दूंगी। और अब देखिए ये वास कितना, ये मटका कितना सुंदर लग रहा है। और अपनी बनाई हुई चीज़ है तो जब भी आप आओगे ना इसके आसपास से तो देखना खुद अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा सा फील होता है कि देखो हमने बनाया है ये। तो ये सारे वास हुए ये सब मैंने लगा दिए अपने ड्राइंग रूम वाले एरिया में ही। और इसके साथ साथ जो मैंने मजेंटा कलर की स्टिक पेंट करी थी वो भी मैंने लगा दी। एक्चुअली ये स्टिक मैंने इसलिए दोबारा से पेंट करी एक और एक्स्ट्रा स्टिक, क्योंकि जो दोनों मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको दिखाई थी इन स्टिक्स का कलर जो है ना वो निकल कर नहीं आ रहा था, जिसे कहते हैं कि मतलब एकदम से वो जगह एकदम से यूनिक सी दिखाई दे, भरी हुई सी दिखाई दे। भरी हुई इन द सेंस मतलब वो एक कुछ है, वो आइटम कुछ शो दे रहा है, वो दिखाई दे, वो वाली चीज़ नहीं आ रही थी, कुछ उठाव नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने एक कलर लिया मजेंटा लाइट, पहले मैं पिंक सोच रही थी। तो उससे क्या होगा कि वो दोनों ही टोन में मैच करेगा, वाइट की भी टोन में मैच करेगा और जो दूसरा ये कुछ ब्लू है उस कलर के साथ मैच करेगा। और अब देखिए ये कॉर्नर कितना अच्छा लगने लगा और साथ के साथ स्टूल्स तो देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं। इन्होंने तो इस पे जो भी डेकोर आइटम हम रखेंगे ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इन्होंने इस कॉर्नर को बिल्कुल चेंज कर दिया तो बिल्कुल फ्रेश सा नया सा कॉर्नर हो गया। और इस तरह से जो ये मेरा ड्राइंग रूम है इसमें मैंने कुछ कुशन कवर्स भी अपने हाथ से बनाए थे, आपके साथ लास्ट वीडियो में ही शेयर किए थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें खुद बनाकर मैंने इसको चेंज कर दिया। तो एक चीज़ और है फ्रेंड्स, जैसे मैं इतनी सारी चीज़ें बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर आपको वो सारी चीज़ें पसंद आती हैं तो आप उनको लाइक भी प्लीज़ किया करो, क्योंकि व्यूज़ के साथ साथ लाइक से एक्चुअली पता चलता है कि आपके काम को कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो उससे एक कॉन्फिडेंस आता है और ऐसा लगता है कि हाँ हम सही काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा काम तो आप ही लोग ही जज कर सकते हो। तो इस तरह से ये हो गया मेरा पूरा ड्राइंग रूम चेंज। और जब ये तो देखिए थोड़ा सा व्यू है जब लाइट्स वगैरह जली रहती हैं, और अगर आप दिन के टाइम का व्यू देखोगे तो वो और भी सूदिंग और बहुत लाइट लगता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपकी एक रिक्वेस्ट पूरी करी और इसके साथ साथ मैंने चेंज भी कर दिया। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और थैंक यू आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।